नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को राउंड बूटी और स्टॉन्ड लेग चाहिए हैं तो आप लोगों को ये डिफरेंट टाइप्स के एक्सरसाइज जो आज मैं बताने वाला हूँ ये करनी होंगी, और ये आप लोगों की बूटी को राउंड बनाएंगे, शेप में देंगे और आप लोगों के फिगर को एक गुड लुक देंगे। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने फिगर को गुड लुक देना और बूटी को अच्छा बनाना, पैरों को टोंड करना यानी कि लेग्स को टोंड करना, तो आप लोग ये सभी एक्सरसाइज आज ही जो है वो शुरू कर दीजिए। सुबह उठकर आप लोग कीजिए ताकि आप लोगों के पैर जो है वो सुंदर बने, जो एक्स्ट्रा चर्बी है पैरों के ऊपर वो हटे और आप लोग जो है अच्छे तरीके से ब्लड फ्लो जो है वो भी रन करे आप लोगों के पैरों में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पैरों में दर्द होने लगता है, सही तरीके से जो लोग बैठ जाते हैं उनसे खड़ा नहीं हो जाता या जो खड़े रहते हैं उनसे बैठा नहीं जाता, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं चलते। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप लोगों को हेल्प करेगी आप लोगों के बूटी को राउंड करने में और लेग्स को टोंड बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस जो है आप लोगों को करनी चाहिए इन सभी के लिए। एक्सरसाइज जो है आप लोगों को जो भी करनी है वो सभी आप लोगों को बेनिफिट देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज करते हैं बेंट नी पुशअप से। बेंट नी पुशअप अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को कैसे करनी है मैं बता देता हूं आप लोगों को। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोगों को जो घुटने हैं आप लोगों के उसको सरफेस पर रखना है और दोनों हथेलियों को आपस में रखना है जैसे कि आप लोग पुशअप करते हैं, लेकिन ये लो इम्पैक्ट पुशअप्स है। इसमें पूरा का पूरा जो फोकस होता है वो आप लोगों के आधे हिस्से पर आता है, आप लोगों के फुल जो बॉडी होती है उस पर नहीं आता है। तो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज एक्चुअली में 40 सेकंड तक आप लोगों को ये करनी है। इसमें आप लोगों के जो आर्म्स होते हैं वो टोंड बनते हैं और आप लोगों की बैली टोंड बनती है, साथ ही आप लोगों की जो हेमस्ट्रिंग मसल्स है थाइज की वो भी स्ट्रॉन्ग बनती है। अब अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट करना ना भूलिए। दूसरी एक्सरसाइज है डंकी क्रॉस किक। डंकी क्रॉस किक में आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को जो टेबल टॉप पोजीशन है वो आप लोगों को रखनी है जैसे आप लोग डंकी किक लगाते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को क्रॉस किक लगानी है, ठीक है। जैसे कि आप लोग राइट लेग के साथ कर रहे हैं वैसे ही आप लोगों को लेफ्ट लेग के साथ भी करना है। इसमें क्रॉस आप लोगों को लेकर जानी है किक को और दूसरी साइड में आप लोगों को टैप भी करना है सरफेस के ऊपर जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इससे आप लोगों की जो बूटी है वो अच्छी बनेगी, टोंड बनेगी, सुंदर बनेगी और साथ ही आप लोगों की जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी गायब हो जाएगी। तो लेग्स को टोंड करना है तो सभी एक्सरसाइजेस आप लोगों की लेग्स के लिए होंगी और बूटी के लिए होंगी, ठीक है। अब तीसरी एक्सरसाइज में जाने से पहले थोड़ा सा 10 सेकंड का रेस्ट दिया जाता है, तो इसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर। नेक्स्ट है डंकी क्रॉस किक राइट, यानी कि आप लोगों को राइट लेग के साथ ही एक्सरसाइज करनी है, तीसरे नंबर की एक्सरसाइज है और यही सेम एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। अगर आप लोग देखें तो फोकस करेंगे तो आप लोग देखें कि इसमें ग्लूट्स जो है वो कितना इफेक्टिव हो रहे हैं, और स्ट्रेट लेग के साथ है तो डेफिनेटली आप लोगों की जो लेग्स की जो मसल्स हैं वो भी वर्क कर रही हैं और इसमें आप लोगों की जो टारगेट मसल्स होती हैं वो आप लोगों की ग्लूट्स की मसल्स हैं और हेमस्ट्रिंग मसल्स है, थाइस की मसल्स हैं और आप लोगों के पैर जो है वो सीधा रहता है इसमें, और आप लोगों की जो बूटी वर्कआउट है इसमें शानदार भी होता है। तो आप लोग भी ये एक्सरसाइज जो है अपने रूटीन में ऐड कीजिए और हफ्ते में अगर आप लोग इन्हें एक बार भी कर लेते हैं तो भी आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। रेस्टिंग टाइम है 10 सेकंड का रेस्ट जो है वो आप लोग लगा लीजिए। इसके बाद में तीसरी नंबर की जो एक्सरसाइज है यानी फोर्थ नंबर की जो एक्सरसाइज है वो है रिवर्स लंजेस। रिवर्स लंजेस जो है आप लोगों की ब्यूटी को टोंड बनाती है, साथ ही आप लोगों की थाइस मसल्स को भी अच्छा रखती है। तो लेग्स को अगर आप लोगों को टोंड बनाना है, सुंदर दिखाना है बल्कि जो लेग्स हैं अगर वो आप लोगों को नहीं रखने हैं तो आप लोग ये एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं रिवर्स लंजेस 40 सेकंड्स के लिए। और आप लोगों की स्क्रीन पर वर्कआउट चल रहे हैं, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज हैं, कोई जंप आप लोगों को इसमें नहीं लगाना है, सिर्फ अपने पैर को एक पैर को पीछे की ओर लेकर जाना है, घुटना मोड़ते हुए नीचे की ओर बैठना है, तो एक प्रकार का स्क्वाट भी हो जाता है इसमें आप लोगों का और आप लोगों के ग्लूट मसल्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है, थाइस मसल्स और घुटने की भी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है किसी प्रकार की इंजरी हो तो फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले। अब नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज है नंबर फिफ्थ एक्सरसाइज स्क्वाट विद साइड किक।
स्क्वाट विद साइड किक भी आप लोगों के लेग्स मसल्स और बूटी को टोन बनाने में आप लोगों की हेल्प करती है। और स्क्वाट एक्सरसाइज है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं स्क्वाट्स के बेनिफिट तो आप लोग वीडियो मेरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के स्क्वाट्स बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो आप लोगों को स्क्वाट्स जरूर करने चाहिए अगर आप लोगों को बूटी को राउंड बनाना है। तो 40 सेकंड्स की बात है, इसमें आप लोग साइड किक लगा देते हैं तो आप लोगों की जो सैकिंग वाली मसल्स है यानी सेलुलाइट जो है आप लोगों की थाइस के ऊपर, वो हट जाएगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा इस बात का कि आप लोगों की सैगिंग जो है यानी कि जो थाइस मसल्स पर जो सैगिंग है वो हट जाती है। अब आप लोगों के पास 10 सेकंड का फिर से रेस्ट आ जाता है, तो इसमें आप लोग आराम कर लीजिए 10 सेकंड के लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टेप फॉरवर्ड विद लेग किक। स्टेप फॉरवर्ड विद लेग किक का मतलब आप लोगों को क्या है, देखिए छठे नंबर की एक्सरसाइज है, 40 सेकंड के लिए करनी है। इसके आगे आप लोग जो है एक प्लास्टिक का जो है कुछ भी रख लीजिए, या आप लोग जो है लकड़ी का रख लीजिए जिस पे आप लोग चढ़ सकें, बॉक्स टाइप। अब उस पर आप लोगों को चढ़ना है सिंपल, और आप लोगों को एक बैक किक जो है वो आप लोगों को लगानी है, लेग से बैक किक जो है वो आप लोगों को लगानी है, और पीछे की ओर जो है अपने हाथों से टैप भी करना है। देखिए इस पर चढ़िए, एक बार चढ़ना है, दूसरी बार जब आप लोग चढ़ें तो अपने एक पैर को यानी कि लेफ्ट लेग को आप लोग जो है पीछे की ओर लेकर जाएं जैसे किक लगाते हो, ठीक है, या फिर दूसरी टाइम्स जो है आप लोगों को राइट लेग की ओर लेकर जाना है। तो ये भी एक एक्सरसाइज है जिसे आप लोग रिपीट कर सकते हैं। और अब आप लोगों के पास फिर से आ चुका है 10 सेकंड का रेस्टिंग टाइम। 10 सेकंड के रेस्टिंग टाइम के बाद आप लोग फॉरवर्ड वेटेड फॉरवर्ड बेंड रख लें। वेटेड फॉरवर्ड बेंड में आप लोगों को पास आप लोगों के एक पास रोड होनी चाहिए, उसके बाद में उस रोड को आप लोगों को लेकर सीधा खड़ा हो जाना है और उसके बाद में नीचे की ओर झुकना है सिंपल से। तो इसमें आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो पीछे की ओर जाएंगे, तो इससे आप लोगों के ग्लूट्स की एक्सरसाइज हो जाती है, स्पाइन की एक्सरसाइज हो जाती है, बैली की एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसमें जब आप लोग नीचे की ओर झुकेंगे तो घुटना मुड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सीधे सीधे ही जो है वो झुकना है, घुटना मोड़ते हुए आप लोगों को नीचे की ओर झुकना है। तो बूटी जो है आप लोगों के पीछे की साइड में जाएगी, तो डेफिनेटली आप लोगों की जो बूटी वर्कआउट्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्कआउट भी आप लोग अपने रूटीन में ऐड कीजिए। अब फिर से आ चुका है 10 सेकंड का रेस्ट, तो रेस्टिंग टाइम जो है वो कंप्लीट कर लीजिए, आराम कर लीजिए इसमें। और उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट एक्सरसाइज वेटेड स्क्वाट टैप। इसमें आप लोगों को अपनी रोड जो है वो कंधे पर रखनी है और स्क्वाट पोजीशन लगनी है, लेकिन इसमें टैप आप लोगों को करना है। ये नंबर 8th एक्सरसाइज आप लोगों की होगी। वेटेड स्क्वाट टैप में देखिए आप लोगों के कंधे के ऊपर जो है वो रोड है, यानी कि सिंपल एक लकड़ी की रोड आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद में उस रोड को दोनों हाथों से पकड़ें और नीचे की ओर बैठें जैसे स्क्वाट पोजीशन आप लोग लेते हैं, लेकिन आप लोगों को हिप्स को 2 या 3 बार जो है नीचे पुश करना है, यानी कि आप लोगों को टैप करना है नीचे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो ग्लूट्स मसल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगी, और एक्टिव होंगी तो डेफिनेटली वो टोन भी बनेगी। तो ये वर्कआउट भी अपने रूटीन में आप लोग ऐड कीजिए। अब आप लोगों के पास फिर से रेस्टिंग टाइम आ चुका है, तो रेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, और रेस्ट करने के बाद आप लोगों को चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट यानी हिप डिप्स वर्कआउट्स के ऊपर। हिप डिप्स वर्कआउट जो है वो बहुत अच्छा वर्कआउट है और इसे आप लोगों को जरूर करना चाहिए अपने हिप्स को एक अच्छी शेप देने के लिए, अपने फिगर को एक अच्छी शेप देने के लिए। नंबर 9वें नंबर की एक्सरसाइज है ये जिसे आप लोगों को करना है 40 सेकंड के लिए। मेरे सभी वर्कआउट्स जो है मिनिमम 40 सेकंड के लिए ही होते हैं, तो उसे आप लोग जरूर रिपीट कीजिए। और हम एक 30 डेज का रूटीन भी ऐड करने वाले हैं, और 30 डेज के रूटीन में आप लोग जो हैं हर रोज़ वो एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट्स तो मिलने ही हैं, चाहे वो बैली के लिए हो, चाहे स्पाइन के लिए, चाहे आप लोगों के ग्लूट्स के लिए, थाइस के लिए। तो ये सभी वर्कआउट्स अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा। तो हिप डिप्स वर्कआउट कीजिए, अपने ग्लूट्स को अच्छा बनाइए, और साथ ही अपनी कमर की जो साइज है, वेस्ट जो है, वो भी आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं इसे हिप डिप्स से। फिर से रेस्टिंग टाइम आ चुका है, 10 सेकंड का रेस्ट कर लीजिए। और नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं लेटरल लंजेस की ओर। इसमें आप लोगों के थाइज मसल्स का वर्कआउट हो जाता है, ग्लूट्स मसल का वर्कआउट हो जाता है, और इसमें आप लोगों को करना क्या है, दोनों हाथों को चेस्ट के सामने, हाथ दोनों को बाइंड कीजिए, और सिर्फ एक पैर की ओर जो है वो आप लोग झुक जाइए, उसके बाद में दूसरे पैर की ओर झुक जाइए। यही लेटरल लंजेस है जिसमें आप लोगों का ग्लूट्स वर्कआउट भी हो जाता है और थाइज मसल्स का वर्कआउट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, अपने व्हाट्सएप पे तो कम से कम अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए, और साथ ही लाइक तो ज़रूर कीजिए, और वीडियो पे कमेंट कीजिए, जो भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अच्छा कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।